हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिना आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं अमित बर्दिया 2020 में वाणिज्य अधिकारी के रूप में चयनित हुआ हूं। साथ ही साथ राज्य वन सेवा में मेरा चयन रेंजर के पद पर भी हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के साथ पेपर थर्ड इकाई 1-2-3 यूनिट डिस्कस करने वाला हूँ। और इस पेपर को डिस्कस करने का मेरा मेन मकसद जो है कि लगभग 4 या 5 साल की तैयारी के दौरान जो छोटी छोटी गलतियां मैंने की हैं जिसके कारण मेरा चयन होने में इतना टाइम लग गया, मैं चाहता हूं कि आप लोग वो गलतियां ना करें और इससे कुछ आप लोगों के लिए कुछ बेहतर सीखने का अवसर आपको मिले और आप अपने पहले प्रयास में ही चयनित हों। और हाल फिलहाल में होने वाली अभी जो आगामी परीक्षा है राज्य सेवा परीक्षा 2022 में आप मेंस में बेहतर परफॉर्म कर पाएँ, इसके लिए मैं पेपर थर्ड लेके आया हूँ। और पेपर थर्ड का भी यूनिट 1-2-3 इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर में लिखना कैसे है और पेपर में लिखने की अप्रोच क्या होनी चाहिए और टीचर या जो एक चेकर होता है उसको कौन कौन से पॉइंट चाहिए। और हमारी जो कॉपी है अभी हम लोगों ने 2021 के पेपर में देखा है कॉपी की साइज बहुत छोटी हो गई है, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि हम लोग 3 पॉइंट याद करके जाते हैं लेकिन वहाँ लिखने का हमें थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब थोड़ी सी कमी आ जाती है उधर पर या लाइन कम पड़ जाती है, स्पेस कम पड़ जाता है, तो उसका भी हम लोग सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं पेपर थर्ड को। पेपर थर्ड इकाई 1-2-3 ये साइंस एंड टेक का पेपर है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सोमवार को एक पेपर हुआ था साइंस एंड टेक का, तो ये पेपर मेरे पास है, इसके कुछ कुछ क्वेश्चन हैं और आप लोगों को भी यहाँ पर देखेंगे वो क्वेश्चन, तो आइए हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये जो आप लोग जब इसका पेपर सॉल्व करेंगे तो इस पेपर में आपको पहले जो 3 मार्कर मिलेंगे, फिर 5 मार्कर मिलेंगे, फिर आपको 11 मार्कर मिलेंगे जिनकी एक अपनी एक शब्द सीमा होती है, वो शब्द सीमा में आपको आंसर देना होता है इसका। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया है कोणीय वेग, और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पेपर जो होता है पेपर में थ्री मार्कर और 11 मार्कर जो होते हैं बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। यदि आपने इन क्वेश्चनों को बहुत बेहतर तरीके से किया है और अच्छा लिखा है और आपके मार्क्स यदि आपको 3 में से 2.5 मिलते हुए जा रहे हैं तो आप लास्ट में देखेंगे कि आप अपने मार्क्स गेन करके 5 मार्कर को मिला के आप 80 प्लस स्कोर, लगभग 90 के आसपास 85 प्लस और 90 के बीच में स्कोर अपना पाएंगे जो एक बहुत ही बेहतर से बेहतर स्कोर है। तो इसके लिए पेपर थर्ड में जो पहला क्वेश्चन है वो है कोणीय वेग का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोणीय वेग क्या होता है, वेग और कोणीय वेग इसमें क्या होगा, ये गति का एक क्वेश्चन है जिसमें क्या हो रहा है कि कोई कण है वो एक वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है। जब ये गति करेगा तो इसमें डेफिनेटली एक विस्थापन भी होगा, तो जो कण होता है कण का जो समय के साथ जो विस्थापन होता है या विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसको हम कोणीय वेग कहते हैं। जैसे हम इसको देखेंगे कि ये सर्किल है या ये मार्ग है, इस मार्ग में ये पॉइंट है और यहाँ पे कोई कण है, ये कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर, और ये मूव कर रहा है यहाँ पर सर्किल में, तो इस कण को, इस केंद्र को और इस कण को जो रेखा मिलाती है उस रेखा में जो विस्थापन होगा समय के साथ उसको ही हम कोणीय वेग कहेंगे। तो माना कि ये कण पहले यहाँ था, अब ये कण यहाँ पर आ गया है, तो ये जो विस्थापन हुआ है तो ये बनेगा आपका थीटा और ये समय के साथ डेल्टा टी बना रहा है, ऐसा कुछ कुछ होता है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसमें लिख के देखेंगे कि कोणीय वेग को यहाँ पे हम एक अच्छे तरीके से कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो क्या होगा, चूंकि स्पेस कम है तो हमें ऐसे शब्दों का चयन करना पड़ेगा, हमारी भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि बड़ी से बड़ी डेफिनेशन को भी आप एक कंसाइज वे में, छोटे से छोटे रूप में, एक लाइन में लिख सकें। देखो तो बड़ी परिभाषा तो ये है कि जो वृत्त है या वृत्ताकार मार्ग है उसका जो केंद्र है और कण है को मिलाने वाली रेखा है उसमें जो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है विस्थापन में उसको हम कोणीय वेग के रूप में देखते हैं, लेकिन इतना बड़ा आप इतनी छोटी सी इसमें नहीं लिख पाओगे,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंसाइज करना है। तो हम कंसाइज कैसे करेंगे, हम चयनित कुछ कुछ शब्दों का यूज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। आइए लिख के देखते हैं। तो इसका क्या होगा कि किसी वस्तु के कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन अभी मैंने समझाया है आपको क्या होता है, एक बार और बता दूंगा। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, या फिर आप इसको पूरा करके दर को कोणीय वेग कहते हैं, या फिर इतना करके भी इसको खत्म कर सकते हैं। नंबर एक डालते हैं, किसी वस्तु के कोणीय वेग में विस्थापन की दर क्या है, आपकी कोणीय वेग है। अब चूंकि हम लोगों को अब सेकंड नंबर पर राउंड लगाएंगे या सेकंड नंबर पर लिखेंगे, इसको क्या लिखना पड़ेगा, जो कोणीय वेग होता है उसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू के द्वारा, और इसमें जो परिवर्तन आ रहा है उसको डेल्टा के द्वारा दिखाएंगे, और समय के साथ परिवर्तन दिखाना है तो डेल्टा टी भी दिखा देंगे इसके साथ। तो ए कैसे आया, यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे आप थोड़ा सा चाहें तो एक छोटा सा वो बना सकते हैं डायग्राम, इसका केंद्र लें, यहाँ पे एक पॉइंट लें, इसको यहाँ लें, और ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया, तो ये इसका विस्थापन हो गया है। तो ये जो कोण बनाया है, ये देखो थीटा बनाया है इसने, इसको हम यहाँ पर थीटा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये देखो थीटा पर मूव कर गया है और ऊपर चला गया है, और ये समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो दो पॉइंट तो ये हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट अपन चाहें तो यहीं पर, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर थर्ड पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं मात्रक। इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये थीटा है, और थीटा को हम लोग रेडियन में व्यक्त करते हैं, तो क्या लिखेंगे, रेडियन अपॉन सेकंड। ये हमारा एक त्रिमार्ग का कंप्लीट हो गया। मेरा मानना है कि इस जो त्रिमार्ग है इसमें जो जो इसकी डिमांड थी इसमें हम लोगों ने इसकी फुलफिल कर दी है। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं। कोई भी वस्तु होती है उसका जो भार होता है, या उसका क्या बोलते हैं अपना जो समस्त भार होता है, उस भार का एक केंद्र बिंदु होता है, तो वो केंद्र बिंदु जहाँ पे केंद्रित होता है उसको हम गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, वह बिंदु जहां किसी पिंड या किसी वस्तु समस्त भार केंद्रित होता है, किसी पिंड का समस्त भार केंद्रित होता है उसे हम गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। मैनेज कर लेना आप लोग, गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। और साथ में आप लोग एक काम करना, इसको अंडरलाइन भी कर दिया कीजिए, जैसे ये मात्रक वाला था इसको यहाँ से ऐसे अंडरलाइन किया, ऐसे ब्रैकेट में आप लोग इसको बंद कर दिया कीजिए, अच्छा लगता है थोड़ा देखने। और इसका अब जैसे गुरुत्वीय केंद्र पूछा है, गुरुत्वीय केंद्र का आपने आंसर लिख दिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये थोड़ा अधूरा है कि आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं साइंस की परिभाषा में,
कि गुरुत्वीय केंद्र क्या है, उसके साथ यदि आप एक एग्जाम्पल भी फिट कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा उसको। तो यहाँ पे आप चूंकि दो पॉइंट लिखने वाले हैं इसमें, तो आप यहाँ पे एस तीन के द्वारा डिनोट कीजिए और यहाँ पे एक उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण आप कैसे ले सकते हैं, किसी भी वस्तु का कोई भी द्रव्यमान केंद्र हो सकता है, भार का केंद्र बिंदु हो सकता है। यदि आपने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी होगी कि बहुत से फुटबॉलर जो होते हैं, फुटबॉलर या नॉर्मल जो भी हैं, मतलब जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, वो लोग अपनी उंगली पे फुटबॉल की जो फुटबॉल होती है उसको घुमा लेते हैं। तो वो कैसे संभव हो पाता है, वो क्या करते हैं कि फुटबॉल का गुरुत्वीय केंद्र है उसको अपनी उंगली की निप पे अपर पार्ट है उस पर केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण वो बॉल है स्थिर रह पाती है। तो सेम यहाँ हम उदाहरण के रूप में लिखेंगे कि उंगली पर किसी फुटबॉलर द्वारा फुटबॉल फुटबॉल का घुमाना। आगे ये दो पॉइंट आपको लिखने थे इसमें, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें आप तीन पॉइंट नहीं लिख सकते। यदि दो पॉइंट में हमारा काम बन रहा है तो दो पॉइंट लिखेंगे, तीन पॉइंट की यदि आवश्यकता में लगती है तो वहाँ पे हम तीन पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि इसमें स्पेस भी कम है। आइए पेज आगे बदलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अश्वशक्ति। अश्वशक्ति, अब आपको ये पता चल गया अश्वशक्ति जो है शक्ति का मात्रक है, शक्ति में यूज करते हैं, हॉर्स पावर का यूज। तो हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, अपना हमें क्या करना है कि अपना समय भी बचाना है, तो इसमें हमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिखेंगे नंबर एक पहला पॉइंट डालेंगे कि शक्ति का मात्रक। ठीक है, और साथ में इसको अंडरलाइन कर लेंगे। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि एक हॉर्स पावर बराबर होता क्या है, इसको लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे एक अश्वशक्ति इक्वल टू 746 वॉट। आठ है वॉट। और इसके यदि आपको इसको वैज्ञानिक का नाम या जिसने इसको प्रतिपादित किया है उसका नाम भी यदि आपको आता है तो आप देखो कितने कम टाइम में, छोटे से टाइम में आपने कितना सारा, मतलब जो भी फैक्ट थे आप लोग इसके फैक्ट लिख चुके हैं। तो थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं इसके प्रतिपादक का नाम, प्रतिपादक है इसके जेम्स वॉट। जेम्स वॉट, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखना है। मतलब जिसमें यदि ज़्यादा मात्रा में लिखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा शब्द को की डिमांड नहीं कर रहा है क्वेश्चन, तो उसको कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए और अपना समय बचाइए। और जैसे अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर। बैरोमीटर हम जानते हैं दाब मापी के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं, और दाब मापी में भी कौन सा वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको मापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। इसको आप चाहें तो एक शब्द में भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके पास एक साइंस का पेपर है, अधिक से अधिक मार्क्स गेन करने की उम्मीद इसमें होती है और आपको पूरे में पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि बेहतर से बेहतर लिखने का प्रयास हो। तो ये है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या होता है, हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको नंबरिंग फॉर्म में भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र है। क्या है, वायु मंडलीय दाब मापक यंत्र। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हैं,
दूसरा वायुमंडलीय दाब के बारे में या बैरोमीटर के बारे में हमें एक चीज और पता है कि जब बैरोमीटर में पारे का मान इकाएक ऊपर बढ़ता है, मान ऊपर बढ़ रहा है या इकाएक घट रहा है, तो उससे हम कुछ वायुमंडलीय स्थितियों का भी पता लगा सकते हैं। तो उतना बड़ा लिखने की कोशिश उतना बड़ा तो हम लोग यहाँ नहीं लिख पाएंगे, लेकिन एक चीज़ हम लिख सकते हैं कि इसका जो उपयोग होता है वायुमंडलीय दाब के रूप में तो होता ही होता है, लेकिन साथ है मौसम की संभावना व्यक्त करने में भी होता है। मौसम की स्थिति की संभावना या परिवर्तन की संभावना व्यक्त करने में भी होता है, ठीक है। और इसके जो तीसरा पॉइंट हम लोग यहां डाल सकते हैं आविष्कारक का नाम, तो इसके आविष्कारक कौन है, आविष्कारक है इसके टॉरिसेली, कौन है टॉरिसेली, और इसके साथ ही इस थ्री मार्कर ने अपने सारे के सारे एस्पेक्ट को कवर कर लिया है। यहाँ हमने ये भी बता दिया है कि ये क्या है, क्या काम करता है, कहाँ कहाँ यूज होता है और किस वैज्ञानिक ने इस यंत्र का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे हम लोग चार क्वेश्चन थ्री मार्कर के सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रिक पॉइंट। देखो ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो कोई दाब हो या ताप हो उस बिंदु पे किस कोई भी पदार्थ अपनी तीनों अवस्थाओं में रहे, वो पॉइंट ट्रिक पॉइंट होता है। जैसे मान लो ऐसा कोई भी पॉइंट तापमान का आप लीजिए या दाब का, दोनों का मर्ज करके, कि उस अवस्था में जो कोई भी पदार्थ है, लिक्विड भी हो, ठोस भी हो, गैस भी हो, ये तीनों पॉइंट हो, मतलब यदि इसको हम जल के साथ देखें तो वो बर्फ फॉर्म में भी हो, वो पानी के फॉर्म में भी हो और वो वाष्प के फॉर्म में भी हो, तो ऐसे पॉइंट को हम ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम दो पॉइंटों के साथ लेंगे। पहला क्या करेंगे इसमें इसको ऐसे करते हैं कि ऐसा ही कुछ बनाते हैं। पहला लिखते हैं ऐसा बिंदु, ऐसा ताप बिंदु, ऐसा ताप दाब बिंदु, ऐसा ताप दाब बिंदु जहां पर किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं क्या होती हैं, संतुलित रहती हैं, या तीनों अवस्थाएं होती हैं तो संतुलित रहती हैं ज्यादा अच्छा पॉइंट, संतुलित रहती हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट को हम त्रिक बिंदु कहते हैं, ठीक है, उसको ऐसे ऐसा करते हैं या एक के साथ चल जाए। अगला हम क्या लिख सकते हैं कि आप देखेंगे जो पानी होता है वो 273 273.16 केल्विन पर क्या होता है, ये तीनों फॉर्म में मिल जाएगा आपको, कायम मिल जाएगा आपको, पानी यानी द्रव के फॉर्म में भी मिल जाएगा, ये आपको ये बर्फ यानी ठोस के रूप में भी मिल जाएगा, ये और तीसरा आपको ये गैसीय रूप में भी मिल जाएगा, तो ये गैस के रूप में पास करेंगे। उल्टा हो गया, यहाँ पास यहाँ गैस करना था, आप अपने हिसाब से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे एक पॉइंट आता है इसमें, इसमें एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है पदार्थ की पांचवी अवस्था। ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें आप ज्यादा ना भी लिखो, जो पूछा गया है वही लिख के आओगे तब भी आपको बिल्कुल बराबर और तीन में तीन नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए थोड़ा और लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप यदि खाली इतना लिख के आ रहे हो कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, और पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है वो होती है बोस, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। और आप इसमें क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ एक बार। इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ को उस ताप तक ठंडा किया जाता है, एक ऐसा ताप होता है जिस पर पदार्थ के समस्त परमाणु एक पॉइंट पे जाके केंद्रित हो जाते हैं, पूरे पदार्थ के सारे परमाणु एक पॉइंट पे जाके केंद्रित हो जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये जो एटम बन जाता है वो एक ऐसा एटम बन जाता है जिस एटम को हम कहते हैं सुपर एटम। क्या? सुपर एटम। ये आपको नहीं लिखना है, खाली इतना लिखना है। इसमें आपको वहां पर मेरा मानना है कितने में ही आपको तीन में तीन नंबर मिल जाएंगे। यदि आपको लगता है कि और ज्यादा लिखना है तो यहाँ पे आप एक परिभाषा भी लिख सकते हैं कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, लेकिन सबसे सूक्ष्म परिभाषा लिखें तो वो ज्यादा बेहतर। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन है मूल धारणा। मूल धारणा पूरा का पूरा केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। इसको हम ऐसे देखते हैं कि क्या होता है, मतलब एक कोई पदार्थ है, पदार्थ की वह मात्रा, ऐसी मात्रा या वह संख्या जो एक कार्बन 12 जो समस्थानिक होता है उसके 12 ग्राम में जितने परमाणु पाए जाते हैं या आयन पाए जाते हैं वो उसको हम मूल संख्या कहते हैं। इसको हम सबसे संक्षिप्त रूप में लिखने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही लगभग 3 या 4 लाइन की है, तो इसको हम एक लाइन में कैसे लिखें वो भी 2021 की कॉपी के अनुरूप, जब कॉपी का साइज ऑलरेडी छोटा हो गया है, तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। इसको हम लिख सकते हैं कि ऐसे तीर के रूप में डिनोट करके कि वह संख्या जो C12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, यानी वह संख्या जो C12 कार्बन का एक समस्थानिक है कि समस्थानिक का यूज इसलिए नहीं किया है मैंने इसमें क्योंकि हो सकता है कि वो फिर ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो वहां बनेगा नहीं। वह संख्या जो कार्बन 12 जो समस्थानिक है के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं आयनों का यूज भी अपन यहां से प्रयोग करके कर सकते हैं। परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं होती है। एक काम और करना है इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर देंगे थोड़ा तो उसका वो हो गया। और एक मूल बराबर क्या होगा इसको भी लिखेंगे यहाँ पर। एक मूल बराबर होता है मतलब एक मूल में कितने परमाणु होते हैं या कितने आयन होते हैं इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो एक मोल में होते हैं 6.022 × 10⁻²³ परमाणु, या इसको हम आयन भी कहते हैं।
और ये जो संख्या है इसको, इस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं कि एवोगैड्रो संख्या भी बोलते हैं। तो ऐसा करके हम लोग इसको दो लाइन भी लिखेंगे, इससे ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा कुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो कुंड महोदय थे, इन्होंने ये बताया था कि किसी भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस प्रकार से वितरित होंगे और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में या कक्षा में जाएंगे, कक्षक में जाएंगे, और वो किस नियम का किस नियम को फॉलो करेंगे, इसके बारे में हुंड साहब ने बताया था। तो हुंड साहब ने क्या कहा था कि कोई भी कक्षा होगी, कोई भी है, तो उसके हर एक कक्षा में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच जाएगा तब तक वो दो इलेक्ट्रॉन का युग्म नहीं बनाएगा। मतलब इनका सीधा सीधा कहना है कि माना कि तीन ये कक्षाएं हैं, ये वो कोश है, इसमें तीन कक्षाएं हैं और हमारे पास छह इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो हुंड सर कहते हैं कि छह इलेक्ट्रॉन हैं, छह की जगह हम यहाँ पांच ले लेते हैं, पांच में अच्छे संख्या है। तो हुंड सर का कहना है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरे कक्षक में जाएगा, फिर तीसरे कक्षक में जाएगा। अब फिर से रिपीट होगा, यहाँ पर जो युग्मक बनेगा वो तब बनेगा जब तीनों कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा। अब आएगा यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पांच, मतलब इलेक्ट्रॉनों का वितरण कुछ इस प्रकार से होगा कि जब तक पूरे के पूरे कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ना हो जाए। ये ठीक उसी प्रकार है कि आप यदि कहीं पर मतलब कहीं लाइन लगा के बैठे हैं खाने की उम्मीद में, या आपको ऐसा होगा कि आप देख सकते हैं कि कहीं भी कोई जैसे भी जैसे हमारे बुंदेलखंड में तो कहावत कहते हैं कि ये पंगत मानो आप, तो इसमें एक पंगत में जब तक सबको एक एक बार ना मिल जाए तब तक आपको दो बार कुछ नहीं मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार है कि जब तक इसमें सभी को एक एक ना मिल जाए तब तक आप दूसरे की उम्मीद ना करें, यही हुंड साहब का नियम है। तो इसको हमें लिखना कैसे है, इसको हम लिख के देख लेते हैं। हुंड साहब कहते हैं कि किसी उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन वितरित होने के पश्चात ही उपकोष कक्षक में युग्मक में प्रारंभ होता है, ठीक है। मतलब एक जो सिंपल डेफिनेशन थी वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब लिखना कैसे है और सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, कंसाइज वे में कैसे लिखेंगे, इसको हम ट्राई करने वाले हैं। तो इसका होगा किसी उपकोष में सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन वितरित होने के पश्चात ही कक्षकों में आप एक एग्जाम्पल के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण लिख सकते हैं आप उदाहरण के रूप में आप यूज कर सकते हैं टू ई फाइव, ठीक है। अब इसकी जो ई की उप कक्षक बनाएंगे हम लोग, तो ये कक्षक हो जाएगी इसमें, जिसमें एक कोश हो गया, इसमें तीन कक्षाएं हो गई हमारी और हमें पांच इलेक्ट्रॉनों का वितरण करके दिखाना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन,
तीसरा इलेक्ट्रॉन हम क्या अब फिर और एक काफी क्रिया जो आया नहीं होगी कभी भी कई अलग अलग के बारे में आता है दो ये होता सबसे हम क्या लेकिन ये देखते हैं क्या आपको नंबर एक ओजोन सबसे पहले तो एक गैस है
सबसे मेन चीज़ है, जब भी कोई मिश्र धातु का क्वेश्चन आता है तो आपको कोशिश करना है कि उसकी परिभाषा के साथ, रासायनिक सूत्र के साथ बताते हुए उसका उपयोग जरूर बताना है कि वो जो मिश्र धातु है उसको हम यूज कहाँ कर रहे हैं। तो ये जो डेल्टा मेटल धातु है इसका यूज हम जो हवाई जहाज होते हैं उनके पंख बनाने के रूप में हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जहाज, हवाई जहाज समझ जाना आप, ये पंख बनाने में शौक समझ रहे कितनी इम्पोर्टेंट सुधार हो गए। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर है कोश का भित्ति। कोश का भित्ति जब भी हम क्या बोलते हैं जीव विज्ञान पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शायद सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, कोश का आता है। और कोश का में हम दो कोशिकाएँ पढ़ते हैं, जंतु कोश का, पादप कोश का। तो पादप कोश का में हम इसको पढ़ते हैं। तो पादप कोश का में कहाँ आता है, आपने एक ऐसा डायग्राम करके देखा होगा, ऐसे करके होता है ऐसे ऐसे डायग्राम में तंग है, मैनेज कर लेना आप, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कोई ये आपने देखा होगा, ये पादप कोशिका में आप जो ऊपरी लेयर देख रहे हैं ये जो है ये है कोशिका भित्ति। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कोशिका भित्ति में कि जो पादप कोशिका में उपस्थित जो बाह्य कठोरतम परत है, तो नंबर एक डालेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, लिखेंगे पादप कोशिका की कठोर परत, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। दूसरे नंबर में हमें क्या लिखना पड़ेगा कि ये जो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है ये करती क्या है या ये बनी किससे होती है। तो जो पादप कोशिका होती है वो पादप कोशिका बनी होती है हमारी सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से निर्मित। अब आप लोग ये मत करना कि सेल्यूलोज से निर्मित होती है, इससे क्या होगा कि वैसे ही जगह कम है और आप लोग और बढ़ा दोगे तो 2-3 लाइन और बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या करना है, छोटे से छोटे शब्दों का यूज करना है, अपने आप जो लिख रहे हैं जो डेफिनेशन आप लिख रहे हैं उसको कैसे हम कंसाइज कर सकें यही हमारा उद्देश्य होता है। और मेरा मानना है शायद ये नोटरी के रूप में यूज होता है प्रशासन में, इसलिए इसका यूज करवाते हैं शायद। और इसका महत्व क्या है, ये कार्य क्या करती है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो होती है जो पादप कोशिका होती है पादप कोशिका को आकार प्रदान करती है, उसको बाह्य सुरक्षा प्रदान करती है, ये कार्य होता है कोशिका भित्ति का। क्या महत्व है इसका, क्या महत्व है इसका, महत्व है आकृति कोशिका, कौन सी कोशिका, पादप कोशिका का आकार, आकृति सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर स्पेन से बन नहीं पाएगा तो आप एक काम करना, यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट बनाना है यहाँ पर, और यहाँ पर एक पादप कोशिका बना के आप लोग दिखा देना, तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। और कुछ कुछ चीज़ों को आप लोग अंडरलाइन कर दिया कीजिए, अंडरलाइन से क्या होता है एग्जामिनर को थोड़ा देखने में अच्छा लगता है और कई चीज़ों को उसको खोजना नहीं पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। तो अगला क्वेश्चन है डीएनए के कारण, डीएनए के, डीएनए आप जानते हैं डीएनए कहाँ पर होता है, कोशिका के अंदर ही होता है, और कोशिका में भी मोस्टली अपने केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए में क्या होता है कि हमारे जो आनुवांशिक लक्षण हैं
या जो हमारे आनुवांशिक गुण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्राप्त हुए हैं, डीएनए इन गुणों को क्या करता है, संग्रहित करता है, स्टोरर का काम करता है। और स्टोर करके क्या करेगा भाई, स्टोर करके इन सूचनाओं को ये आगे भी बढ़ाता है। तो हम लोग इसमें डीएनए के कार्य हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें तीन कार्य तो कम से कम लिखने का प्रयास करें। हा ही हे, करता है, करती है, करते हैं जैसे शब्दों का यूज हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो जैसे लिखना है वो लिखेंगे। तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं अपर लाइन का, क्योंकि चूंकि लोअर लाइन यहाँ पे दिख नहीं रही है तो हम लोग अपर लाइन का यूज यहाँ पे करेंगे। तो पहला क्या करेंगे इसमें, ये आनुवांशिक आनुवांशिक गुणों को स्टोर या संग्रह संग्रहण का, ठीक है, का संग्रहण, ठीक है। दूसरा क्या करेगा ये, अब जब आनुवांशिक गुणों का इसने संग्रहण किया है तो इसको यूज भी करना होगा, तो ये क्या करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी इनको हस्तांतरण भी करेगा। हस्तांतरण मतलब कि संचरण भी करेगा। ये क्या करेगा, आनुवांशिक गुणों का संचरण, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी। और तीसरा हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ये आप लोग एक काम भी कर सकते हैं, इनको अलग अलग ना करके एक काम कर सकते हैं कि इसमें से इस लाइन को हटा देते हैं और ये आनुवांशिक गुणों का संग्रहण एवं संचरण करना ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो दो लाइन यूज होने वाली थी उसको आपने एक लाइन में ही पूरा कर दिया। दूसरी लाइन में आप क्या कर सकते हैं, दूसरी लाइन में आप यूज कर सकते हैं कि दूसरा फैक्ट क्या हो सकता है, दूसरा फैक्ट इसका बन सकता है कि ये आरएनए का निर्माण भी करता है, आरएनए का निर्माण क्या करता है, आरएनए का निर्माण। अभी तक हम लोग क्या है ऐसे लिखते आते हैं, वैसे बोर्ड पे क्या है खड़ा लिखना होता है, उसमें राइटिंग का थोड़ा इशू आ जाता है। और ये क्या करता है, तीसरा मतलब पहले, इसके पहले हमें ये लिखना चाहिए था कि ये प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, काय को, प्रोटीन संश्लेषण का संचालन, क्या संचालन। तो पहला काम क्या करेगा, आनुवांशिक हट गया है लेकिन आप लोग लिख लेना, बोल देता हूं मैं, आनुवांशिक गुणों का संग्रहण एवं संचरण करना। और दूसरा क्या करेगा, ये प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करेगा और प्रोटीन संचलन प्रोटीन निर्माण से फिर क्या करेगा, ये आरएनए का निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे 12 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आप देखो, एक ये हार्मोन होता है, ये कौन सा हार्मोन होता है, कहाँ से स्थापित होता है, हार्मोन आप लोगों को पता है, एक अंतरस्थादी ग्रंथियाँ होती हैं शरीर में, वहाँ से हार्मोन स्थापित होते हैं और जो बहिस्थादी ग्रंथियाँ होती हैं उनसे एंजाइम वगैरह का स्थापन होता है। और ये जो हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या है, नलिका विहीन सीधे रक्त के माध्यम से, या आप बोल सकते हैं प्लाज्मा के माध्यम से इनका संचरण होता है। तो इसको हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको नंबरिंग से हम लोग पूरा कर सकते हैं कि पहला तो इसका लिखना पड़ेगा हमें पूरा नाम, पूरा नाम, पूरा नाम क्या होगा इसका, पूरा नाम है इसका सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, क्या नाम है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। इसका कार्य क्या है, क्या कार्य करेगा भाई,
एक काम करता है, शरीर के वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है, ठीक है, शरीर की वृद्धि एवं विकास नियंत्रण, ठीक है, कम से कम शब्दों में लिखना है ताकि हमारे सारे फैक्ट इसमें बन जाए। और थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, इसको आप अंडरलाइन भी करते जाना साथ साथ, वृद्धि एवं विकास ऐसे करते। और थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी कमी से क्या हो जाएगा, भाई हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, कोई ना कोई कमी होगी तो कुछ ना कुछ होगा ना इफेक्ट, इससे क्या होता है शरीर में बौनापन आ जाता है, यदि ये कम मात्रा में रिलीज होता है उस गिनती से ये नियंत्रित होता है बौनापन, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको पूरा कर दिया, यहाँ पर देखो हम लोगों ने तीन लाइन में तीन फैक्ट कम से कम शब्दों में लिख के आपको बताया है कि कैसे हमें कम से कम शब्दों में लिखना है ताकि हम अपना पेपर जल्दी से जल्दी अच्छे कंटेंट के साथ पूरा कर सकें। और अगला क्वेश्चन है विटामिन ई, विटामिन ई पता है आपको, सीधा जैसे ये लिखा है ऐसा ही लिखना है आपको, इसमें पहला आपको लिखना है इसका रासायनिक नाम, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ई का, इसका रासायनिक होता नाम होता है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जो होता है जनन संबंधी रोग हो जाते हैं, आपकी जनन शक्ति प्रभावित होती है, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें कुछ जैसे कि मान लो हरी सब्जियां, अंकुरित दालें, दूध, मक्खन आदि का यूज करना पड़ता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, रासायनिक नाम पहला यूज करेंगे रासायनिक, रासायनिक नाम में लिखेंगे टोकोफेरोल, लाइन आपको करते जाना है और करना है, कहीं कहीं मैं भूल जाऊं तो आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। और ये क्या होता है दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या होगा, इससे कमी से क्या होगा, कमी से जनन जनन शक्ति प्रभावित, हालांकि मॉडल आंसर आप लोगों के पास होगा जिसमें सारा कुछ लिखा होगा, लेकिन मॉडल आंसर को एक छोटे से चार्ट में या छोटी सी कॉपी में हम लोग कैसे लिख सकें ये बताना हमारा पर्पज है। और इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, तीसरा हमें लिखना पड़ेगा कि इसके स्रोत क्या हैं, क्या क्या स्रोत हैं जिससे हम इसको प्राप्त कर सकें, क्या स्रोत हो सकते हैं, हरी सब्जी इसका स्रोत है, इसका स्रोत है मक्खन, इसका स्रोत है अंकुरित गेहूं जो होता है वो इसका स्रोत होता है, वो आप लोग यहाँ पे यूज कर लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा थायराइड ग्लैंड, तो पहले हमें इसके बारे में ये बताना है कि फर्स्ट पॉइंट ये बनना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे अवस्थित होती है या स्थित, कुछ भी लिख लीजिए, अवस्थिति लिखेंगे यहाँ पर पहला पॉइंट, तो अवस्थिति में क्या लिखेंगे कि ये मानव गले में ट्रेकिया के दोनों ओर अवस्थित होती है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको लिख लेंगे इतने में हो जाएगा अवस्थिति खाली, मैं इसका फॉर्मेट आपको बता दे रहा हूँ बाकी आप लोग लिख लेना। और दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो ग्रंथि है तो कोई ना कोई हार्मोन रिलीज कर रही होगी, तो ये एक दो हार्मोन रिलीज कर रही है, तो यहाँ पे आप हार्मोन लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे हार्मोन्स, और उन दो हार्मोन्सों का नाम, ये देखो आपके आपके लिए वो बन गया है, आपको खाली सिलेंडर लेंस बन गया। और तीसरा आपको क्या करना है इसमें कि ये जो थायराइड ग्रंथि होती है वो क्या नियंत्रण करती है, इस ग्रंथि से शरीर के कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उन हार्मोन से कौन कौन से अंग या क्या क्या नियंत्रण होता है ये हमें लिखना है दो शब्दों में। तो इसके साथ ही हमारे थ्री मार्कर का डिस्कशन पूरा होगा, मैं सोचता हूँ आप लोगों को मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरी स्ट्रेटजी है
आप लोग शायद इसको करेंगे तो आप लोगों के लिए भी यूज़फुल होगा, लेकिन आप अपने अपने हिसाब से इसको देखिएगा कि कैसे हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, या आपके जो अपने विचार हैं उनको भी आप उनमें बदल सकते हैं। यदि आपके लिए यूज़फुल हो तो आप यूज़ कीजिएगा, नहीं तो फिर तो ठीक ही है जो है। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए, थैंक यू।